हेलो एवरीवन, फाइन टेलर में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम ये बैग बनाएंगे। बैग बनाने के लिए मैंने पहले से कटिंग कर लिया है। मैं इसका नाप दिखा देती हूँ और इसमें स्पंज की ज़रूरत पड़ेगी। हम स्पंज भी लगाना सिखाएंगे आपको। देखिए, ये हमने दो पार्ट काटे और इसमें से एक पार्ट बीच में से काट लिया है जिसमें हम चेन लगाएंगे, और ये दूसरा पार्ट है जिसे हमने बीच में से नहीं काटा है, पर इसी माप के हम दो पार्ट बनाएंगे जिसमें से एक काटेंगे। ये 11.5 इंच का है, 11.5 इंच, और ये 19 इंच का है। तो इसे 11.5 बाई 19 इंच, ऐसे दो पार्ट करेंगे। उसमें से एक पार्ट ये देखिए बीच में से काट लेना है। इसमें हम ये देखिए हमने स्पंज लगा कर रखा है। ये एक पार्ट है जिसमें मैं स्पंज लगाना आपको सिखा रही हूँ। ऐसे सारे में स्पंज लगा देना है। मैंने अस्तर सेम कपड़े का लिया है। अगर आप चाहे तो आप अलग कपड़े का अस्तर ले सकते हैं। तो आपको एक पार्ट मेन कपड़े का रखना है, बाकी दूसरा का अस्तर का कपड़ा आप अलग भी रख सकते हैं। बीच में आपको स्पंज रखना है और इस तरह से आपको डिज़ाइन बना लेनी है। अगर आप चाहे तो कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये चेक्स वाली डिज़ाइन है। देखिए इस तरह से पूरे सब पार्ट में इसी तरह से स्पंज लगा लेना है। ये देखिए, ये हो गया, ये दोनों पार्ट ऊपर नीचे के, और यहाँ पर चेन वाला एक आएगा, यहाँ पर हम चेन लगाएंगे। अब ये वाला पार्ट है, ये साइड पॉकेट वाला पार्ट है। इसमें हम दो मेन पार्ट कटिंग करेंगे, मेन कपड़े का और 4 अस्तर के। ये 11.5 इंच का है और इस तरफ ये 13 इंच का है। तो 11.5 बाई 13 इंच, ऐसे हम 6 पार्ट कटिंग करेंगे टोटल। दो मेन पार्ट, दो स्पंज में अस्तर लगेगा और दो पॉकेट बनाने के लिए दो पार्ट लगेंगे। ये दो पार्ट देखिए, अभी हम यहाँ पर चेन काट कर चेन लगाएंगे तो नीचे वाले में पॉकेट बनेगा, इसलिए टोटल 4 अस्तर में काटेंगे और दो मेन। अब ये दो मेन पार्ट है, इसका नाप ले लेते हैं। ये 13 बाई 19 इंच है, तो हम 13 बाई 19 इंच पर ऐसे दो पार्ट कटिंग कर लेंगे। और इसमें भी इसी तरह से हम स्पंज वगैरह लगा लेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पर चेन के लिए काट लेंगे। ये 3 इंच पर हमने इस तरह से काट लिया है। ऐसा सेम हम दूसरे वाले पार्ट में भी करेंगे। देखिए ये 3 इंच पर हमने काट लिया है, वैसा हम इसमें दूसरे वाले पार्ट में भी करेंगे। अब हम चेन लगा लेंगे सारे पार्ट में। चेन कैसे लगाते ये मैं दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से चेन रख लेनी है। और इस तरह से सिलाई लगा कर इसे पलट लेना है। बची हुई चेन काट कर हम देखिए इस तरह से दूसरी सिलाई लगा लेंगे, ताकि जब हम चेन खोलें तो इसमें बीच में ना आए।
ये हो गया। अब ऐसा हम दूसरी साइड भी करेंगे। कि दूसरी साइड भी हम सेम स्टाइल में कर लेंगे चेन। अब ये धारी वाली सिलाई लगा लेंगे। ये हो गया। अब हम यही सब दूसरे वाले पार्ट में भी यही चेन इसी तरह से लगा लेंगे, साइड पॉकेट वाले पार्ट में भी, दोनों पार्ट में, जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में लगाई है वैसे। देखिए इसमें भी लगा ली है। अब ये वाले जो अलग से पार्ट है वो हम लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो बेल्ट जो मैं इसके बाद में लगाने वाली वो पहले भी लगा सकते हैं। पर मैं पहले पॉकेट बना रही हूँ। देखिए इस तरह से पॉकेट बना लेना है। ये हो गया, देखिए ये पॉकेट हो गया। ये दोनों साइड में पॉकेट हो गए हैं। अब हम इसे यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। आप चाहे तो ये बेल्ट पहले भी, पॉकेट बनाने से पहले भी लगा सकते हैं। पहले हम बेल्ट बनाना सिखा देती हूँ मैं आपको। ये सारे अलग अलग नाप के बेल्ट हैं, मैं बाद में आपको इसका नाप बता देती हूँ। पहले आप बेल्ट बनाना देख लीजिए कि इस तरह से हम दोनों साइड पर यहाँ पर भी सिलाई लगा सकते हैं और ऐसे ही इसे मोड़ कर भी लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर है और परफेक्टली नहीं आता है तो पहले सिलाई लगा कर बेल्ट बनाइए, वरना ऐसे ही मोड़ कर लगा मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही कर सकते हैं। ये सारे बेल्ट इसी तरह से लगाने, सिलाई लगा कर इस तरह से कर लिया है मैंने। ये देखिए अब हम दूसरी साइड पर भी सेम तरह से धारी पर सिलाई लगा लेंगे। ये बेल्ट बन गया है। ये बेल्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। अब हमने पहले पॉकेट बना कर रखी है तो मैं चेन खोलकर फिर सिलाई लगाऊंगी। ये दूसरी वाली बेल्ट है, ये जो है ये बेल्ट ऊपर आएगी इसलिए ये बॉडी बेल्ट है। जो हम शोल्डर पर लेते हैं वो बेल्ट है। इसका नाप ले दिखा देती हूँ मैं आपको। ये बेल्ट 45 इंचेस की है। देखिए यहाँ पर बीच में हमें इस बेल्ट को लगाना है इस तरह से नाप लेकर। देखिए ये पॉकेट को हमको इस तरह से खोलकर लगाना है बेल्ट। ध्यान रखना है कि पॉकेट के बीच में सिलाई ना आ जाए। आप चाहे तो पहले ही ये बेल्ट लगाने के बाद ही पॉकेट बना सकते हैं।
बाद में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब पॉकेट बनाए तब ये बेल्ट हम बीच में सिलाई में ना ले लें। इस तरह से हम ये बेल्ट लगा लेंगे। ये हो गया है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड की सिलाई इस तरह से हम लगा लेते हैं। देखिए ये हो गया है। ये सेम हम दूसरी साइड दूसरे पॉकेट में भी लगाएंगे। बेल्ट की दूसरी साइड हम दूसरा पॉकेट लगा लेंगे। ध्यान रखना है कि आंटी वगैरह ना आए। यहाँ पर दूसरी साइड सेम इसी तरह से करना है। ये हो गया है, मैंने दूसरी साइड लगा लिया है। अब हम जो ऊपर वाला है, हमने चेन वाला पार्ट लिया था, ये वाला पार्ट, इसमें हम ये साइड पॉकेट लगाएंगे, जॉइंट करेंगे। इसे हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। यह अच्छे से इस तरह से सेम माप का होगा, हमने जो माप लिया है इस माप का करेंगे। इसलिए देखिए ये हो गया है। अब हम सेम ऐसा दूसरा साइड पॉकेट है वो दूसरी साइड पर लगाएंगे। इसमें हमें एक ध्यान रखना है कि ये चेन वाला पार्ट है वो साइड पॉकेट के ऊपर वाले पार्ट में लगना चाहिए, चेन वाले पार्ट में, और जो नीचे वाला पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट में लगना चाहिए, चेन के नीचे वाले पार्ट में। ये देखिए, ये जो बिना चेन वाला नीचे का पार्ट है वो साइड पॉकेट के नीचे वाले हिस्से में लगना चाहिए, इस तरह से। ये हमने जो दूसरा वाला पार्ट कटिंग किया था ना, जो बीच में काटा नहीं था, ये दो वो वाला पार्ट है नीचे का पार्ट। ये हो गया है, हम दूसरी साइड भी सेम कर लेंगे। ये दूसरी साइड भी हो गया। अब हम सिर्फ मेन पार्ट बनाना बाकी है। मेन पार्ट में हम पहले बेल्ट बना लेंगे। ये बेल्ट का नाप दिखा देती हूँ मैं आपको। ये 15 इंच है, 50 इंच। इसे हम बीच में इस तरह से यहाँ से 5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। दोनों साइड पर 5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम बेल्ट लगा लेंगे। ऊपर से हम थोड़ी जगह छोड़ देंगे, 2.5 इंच जितनी, 2.5 से 3 इंच, आप जो चाहे उतनी, 2.5 इंच मैंने छोड़ी है, उतने में सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि यहाँ पर बेल्ट आएगा जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है। ये हो गया, हम दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, पर हमें ध्यान रखना है कि बेल्ट में आंटी नहीं आनी चाहिए। ये हो गया, ये दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और जितनी वहाँ पर सिलाई छोड़ी थी उतनी यहाँ पर भी 2.5 इंच की सिलाई छोड़ देंगे और इस तरह से हम
यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम आड़ा बेल्ट लगाएंगे इस तरह से। ये वाला बेल्ट हम यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। अगर आपको ये घर पर बेल्ट नहीं बनाने हैं तो आप रेडीमेड बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसे भी इसी तरह से लगाने पड़ते हैं। ये हो गया है। और अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप किसी और कपड़े से भी कर सकते हैं। ये वाला बेल्ट हम इसमें लगा लेंगे इसी तरह से। अगर आप दूसरे कपड़े से बेल्ट बनाएंगे तो थोड़ी अलग डिज़ाइन दिखेगी, पर वो भी अच्छा लगता है। ये दोनों पार्ट बन गए हैं बेल्ट लगकर। अब हम इसमें जॉइंट करेंगे। हम ध्यान रखेंगे कि ये ऊपर वाला पार्ट है वो चेन वाले पार्ट पे लगेगा। इसे हम यहाँ पर चेन वाले पार्ट में ऊपर वाला पार्ट लगाएंगे। मेन पार्ट का ऊपर का भाग है वो चेन वाले पार्ट में लगेगा, और साइड वाला भाग है वो साइड पॉकेट में लगेगा। देखिए इस तरह से इसे जॉइंट कर लेना है। अब ये साइड वाला पार्ट है उसे हम इस तरह से मोड़ कर साइड पॉकेट वाले पार्ट में लगा लेंगे। और ये नीचे वाला पार्ट है वो नीचे लगेगा। अब ये साइड वाला पार्ट फिर से आ गया है तो यहाँ पर साइड पॉकेट में लग जाएगा। ऐसा सेम हम दूसरी साइड भी करेंगे और फिर हमारा बैग पूरा हो जाएगा। देखिए ये हो गया है। हम अब दूसरी साइड, दूसरा वाला पार्ट है उसे दूसरी साइड लगाएंगे। ये ऊपर वाला पार्ट है उसे हम चेन वाले पार्ट में लगाएंगे। देखिए ये ऊपर वाला पार्ट है बैग का, यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से हम इसे इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। ये बैग बन गया है। ठीक है, इसे इस तरह से करके अब हम बैग को यहाँ पर चेन खोलकर पलट लेंगे। अब ये बैग बनकर तैयार हो गया है। बस इसे पलटकर इसमें कपड़े भर दो, जो चाहिए वो भर दो, और ये आपका बैग एकदम रेडी है कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। ये इसे अच्छे से पलट लिया है मैंने। ये हो गया है बैग तैयार। देखिए ये हो गया बैग तैयार।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे।